नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। टोंक खुर्द, प्रति मंगलवार को महिला बाल विकास केंद्रों पर धात्री महिला तथा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को मिलने वाला पोषण आहार लड्डू, बेसन, सत्तू, दलिया मिलता है, मगर शासन के कड़े निर्देश व लॉकडाउन के कारण यह आहार घर घर देने के आदेश हैं, मगर पाड़लिया के महिला बाल विकास केंद्र क्रमांक 1 के फरमान ही और हैं, ले जाए घर देने नहीं आएंगे। अब विश्वसनीय सूत्रों की जानकारी पर खबर समय जगत पाड़लिया के केंद्र क्रमांक 1 पर सुबह 10:30 बजे पहुंचा तो ताला लगा था। 11 बजे सहायिका के स्वास्थ्य खराब के कारण बुजुर्ग परिजन महिला बच्चों के नाम बड़ों को लड्डू, बेसन, सत्तू के पैकेट देने लगी। जब उनसे पूछा आपकी कार्यकर्ता कब आती हैं, तो उनका कहना है कि 12 बजे तक का समय है। हुआ भी वही, 12:15 बजे केंद्र क्रमांक 1 की कार्यकर्ता आई व महिला व बच्चों को समाज की दुश्मन ने लॉकडाउन को मजाक समझकर शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए व केंद्र पर आमंत्रित बच्चों परिजनों को पोषण वितरण करने लगी। जब इस प्रतिनिधि ने पूछा कि आप इतना विलंब क्यों करती हैं, आपका घर दूर है क्या, आप खुद मास्क पहने और मौजूद बच्चे झूला झूल रहे हैं व इनको भी मास्क दें, सोशल डिस्टेंस व केंद्र पर बुलाकर आहार वितरण केंद्र पर क्यों, इन सभी प्रश्नों का कार्यकर्ता रीना प्रजापति ने साफ कहा, सब चलता है, क्या हुआ, दे तो रहे हैं, फोटो मत खींचो। इतना सब कुछ होने के बाद भी केंद्र पर बुला बुलाकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों व धात्री गर्भवती को बच्चों के नाम का आहार और पैकेट भेंट दिए, कैमरे पर बचती रहीं। आगे पूछा, कल केंद्र पर जब आहरण के बैग की आमद आपने ली और शुरुआत आज हुई, आपके केंद्र पर तो 7 बैग आते हैं तो यहाँ तो मात्र 5 बैग हैं, बाकी बैग कहाँ हैं। तब तपाक से कैमरे के सामने आई व कहा कि 7 नहीं 8 आते हैं, उतारने में भूल हो गई होगी, देखेंगे। साफ जाहिर है कि एक तरफ शासन को ठेंगा, ऊपर से अपने कर्तव्य से हीन और ऊपर से समाज की दुष्ट, लॉकडाउन में ऐसे कर्मचारी आखिर क्या जताना चाहते हैं, मासूम या पूरे गांव से खिलवाड़ या दबंगाई। इतना ही नहीं, हमारी पड़ताल में जमोनिया, मेरखेड़ी, बर्दू, आलरी, अमोना गांव के केंद्रों पर घर घर से बुलाकर आहरण वितरण हुआ। और विशेष मामला तो यह है कि जो सत्तू की थैलियां वितरण हो रही हैं वह बगैर लेबल की, कोई एक्सपायरी नहीं, नज्म पते का प्रमाण, आखिर विभाग देहात के नवजातों के प्रति जताना क्या चाह रहा है। 1 2 3 4 गर्भवती कितनी है? गर्भवती अभी 1 दिया, मतलब गर्भवती तो है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और बच्चों को? बच्चों को भी बताएंगे आपको, 1 2 3 4 5 6। आपकी आंगनवाड़ी क्रमांक में कितने बैग दलिया के आए, उसको विस्तृत बताएं आप। हमारे आंगनवाड़ी में 5 बैग आए हैं, 2 हलवा, 1 हलवा का है, 1 खिचड़ी का है, 1 आटा बेसन लड्डू का है और 2 सावर्ती के। वैसे शासन के अनुसार तो हर माह मिलने वाला आपको 5 बैग मिलता है, पर 5 बैग क्यों आता है? 5 नहीं मिलते 8 मिलते हैं, पर क्या पता क्या गड़बड़ी हो गई इस बार। बहन आगे बताएं कि आज आपने क्या वितरण किया? सर खिचड़ी और सत्तू, खिचड़ी और खिचड़ी बांटी सर। और गर्भधात्री महिलाओं को? उनको भी खिचड़ी, बच्चों और महिला को एक। कितने बच्चों को बांटा? अभी तो सर हमने 15 बच्चों को बांट दिया और बांटेंगे अभी। और गर्भधात्री महिलाओं को कितने? अभी 10 पैकेट बटे हैं गर्भधात्री को बांटने हैं। खबर समय जगत के लिए टोंक खुर्द से हरिओम जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।